नमस्कार दोस्तों, जिंदगी हर पल में कुछ ना कुछ नया सिखाती है। बचपन में भी हमने सुना था कि जब कभी किसी के पास जाओ तो पहले पता करके जाओ कि वो इंसान कैसा है। ऑफिसों में भी अभी हम लोग कहीं मीटिंग में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसके बारे में पता करके जाएं कि उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है, स्वभाव क्या है और वो किस तरीके की बातें करता है। मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसका स्वभाव क्या हमारे लिए भी वैसा ही होगा जैसा उनका औरों के लिए था, क्योंकि स्वभाव एक ऐसी चीज है जो हर एक बंदे के लिए उसके अपने हिसाब से चेंज होती है। अगर मेरा स्वभाव आपके लिए अच्छा है और अगर आपका स्वभाव मेरे लिए अच्छा नहीं है या आपका स्वभाव किसी और के लिए अच्छा नहीं है तो उसका स्वभाव आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर किसी एक व्यक्ति का स्वभाव, उसका फीडबैक आपने लिया हो किसी दूसरे आदमी के बर्ताव के कारण, तो जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव मेरे लिए भी वैसा ही होगा। तो ये स्वभाव जो है ये आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे अच्छा बर्ताव करूंगा तो आप भी मेरे से अच्छा ही बर्ताव करेंगे। वो एक सीधा रिफ्लेक्शन है आपके अपने करेक्टर का दूसरे के प्रति और दूसरे के बिहेवियर का आपके प्रति। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि लोगों से मिलने जाएं तो एक न्यूट्रल माइंड होके जाएं, मतलब एक नॉर्मल वे में मिलने जाएं, ताकि आपको ये ना लगे कि आपने उसकी जो बैकग्राउंड चेक की है वो आपके विचारों में प्रकट हो सके। और ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। सिंपल वे में आप मिलने जाएं तो जैसे ही आप विचार प्रकट करेंगे आपको वैसा ही रिफ्लेक्शन मिलेगा। ऐसा मेरा अनुभव है जो मैंने लोगों से सीखा और जो मैंने अनुभव किया अपनी जिंदगी में। मुझे यही लगा कि जैसा मैं बिहेव करता हूँ सामने वाला मुझे वैसा ही बिहेव करता है और जनरली अच्छा ही हुआ है। उम्मीद है कि आप भी इससे कुछ सीखेंगे और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम खुश हैं कि आप सही बात पे ही चल रहे हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ और बताएंगे अपने बीते जीवन की कुछ लर्निंग्स के बारे में। धन्यवाद।